स्वागत है दोस्तों ताज़ा खबरों में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आपात समीक्षा की। सीएम निवास में हुई बैठक में जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। फिलहाल सीएम ने विभागीय अधिकारियों को इलाज और नियंत्रण की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने सीएम को कोरोना के मौजूदा हालात और दूसरे प्रदेशों में आ रहे केस के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना था, देश भर में मरीज बढ़ रहे हैं, यह तीसरी लहर की दस्तक है। अधिकारियों ने स्वास्थ्य और नागरिक प्रशासन की तैयारियों की भी जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और संक्रमित मरीजों के इलाज के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है। उन्होंने सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, लॉकडाउन हमारा अंतिम विकल्प होगा, अभी हमने नजर रखी हुई है। कोशिश यह होगी कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में चेकिंग बढ़ाने की बात है। होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, उसके बाद भी संक्रमण बढ़ रहा हो तो लॉकडाउन का फैसला हो सकता है। सीएम ने कहा कि मरीजों के बढ़ने पर लॉकडाउन का फैसला भी लिया जा सकता है। पत्रकारों से चर्चा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभागों को तैयारी रखने का कहा है। कोई कदम उठाने से पहले विभाग से जानकारी ले ले, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से बात करेंगे, व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगों और दूसरे संगठनों से चर्चा करके ही कोई फैसला लें।